हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में पोकेमोन वर्स। तो यार बहुत लोग बोल रहे थे कि आप वॉइस में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, तो लो भाई आ गए अपनी वॉइस में वीडियो। तो मेरे को ना बहुत टाइम से एक एस वेवल चाहिए था, ठीक है, अपनी टीम के लिए, बहुत ओपी है। तो मैं अपनी टीम चेंज कर रहा हूँ, पहली बात तो पहले एस नीजर ले लेते हैं जाके। तो मैं मेटाग्रॉस को रीसेट करने वाला हूँ, अपने टायर को रीसेट करने वाला हूँ, और शायद एस विनोसर यूज़ करूँ ना करूँ उसके बदले मैं म्यू यूज़ करूँगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में मेरे को बताना ज़रूर। तो पहले ले लेते हैं एस नीजल। ओके, एस नीजल यार नाम भूल जाता है, पता है एस लेवल और स्नीजल में। तो मैं काफ़ी 2 महीने से वेट कर रहा था इसका, मैं कि ये आ जाए तो इसको मैं ट्रेन करना चालू कर दूँ। मेरे पास तो बहुत सारे अच्छे पोकेमॉन्स है पर रिव्यूज नहीं है, ठीक है। आपको दूर से लग रहा होगा भाई बहुत अच्छे पोकेमोन से तुम्हारे, पर उस देखो पहली बात तो ये है कि लेजेंडरी पोकेमोन होने से आप स्ट्रांग नहीं हो जाते। अगर आपके पास अच्छे रिव्यूज है और मूव सेट है तो कोई भी पोकेमोन को आप अच्छा बना सकते हो, ये मेरी राय है। तो देखो ये पकड़ लिया अपने एस नीजल। तो अपने एस नीजल को इवोल्व मत करना पहले, अगर तुम्हारे पास कोई आइस टाइप मूव ना हो, अटैक टाइप, ओके। और मेरा तो भाई देख करने तेरे भाई, तो पता नहीं ट्रेनर कहने को मेरे से क्या प्रॉब्लम, क्या है इस गेम को मेरे से प्रॉब्लम क्या है। मेरे सारे पूरी पोकेमोन की टीम आप देख ही सकते हैं, सबका वर्स्ट नेचर है, सबसे खराब नेचर, आप मान सकते हो सबसे खराब नेचर है। तो मेरे तो आप देख ही सकते हो कि मेरे का रखुजा बहुत स्ट्रांग है, पर एक पोकेमोन से क्या होता है। और अब दूसरा भी है एस ब्लेजिकन, बहुत स्ट्रांग है वो एस ब्लेजिकन, बहुत ओपी पोकेमोन है। और मेरे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपना दूसरा अकाउंट दे दो। भाई देखो अगर इन फ्यूचर में होगा, इन फ्यूचर अगर कुछ भी होगा तो मैं दे दूँगा, अगर मैं नहीं खेलूँगा तो आपको जरूर ये वाला भी दे दूँगा, पर दोनों अकाउंट एक ही है उसमें आईडी में से, तो मैं आपको अलग सा अकाउंट नहीं दे सकता। क्योंकि देखो मैंने पहले एक गिव अवे किया था तो मैं वो अकाउंट नहीं खेल पा रहा था, तो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। पर अब 2 अकाउंट तो मैं खेलता हूँ और अब नई पोकेमोन गेम्स भी खेल रहा हूँ, जैसे कि अल्ट्रा सन एंड मून का वॉक थ्रू हो गया, गेम प्ले सीरीज में अब से वॉइस आएगी उसमें भी, तो हम साथ मिलकर बातें करेंगे और बहुत नए नए पोकेमोन पकड़ेंगे, आप लोगों के साथ खेलेंगे और क्या। देखो मेरे ट्रेनर के अंदर में तो अभी मेरे पास कॉइन्स भी नहीं, आप देख ही सकते हो। आगे मेरे को अगर कोई पोकेमोन इवोल्व करना हो या मेगा करना हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले से नहीं खेलता था। मैंने अभी थोड़े मंथ पहले ही गेम स्टार्ट किया है फिर से, मैंने वो खेलना छोड़ दिया था। तो आप देख ही सकते हैं भाई अपने एस नीजल बहुत ओपी है, बहुत इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला हूँ, इसको तो बहुत स्ट्रांग बनाऊँगा मैं, इसको और ग्लेजिगन को और पालके। हाँ देखो मैं पालके का वेट कर रहा था कि वो आ जाए, तो वेट करते हैं मैजिक कार्फ या लव कॉइन इवेंट में अगर आ जाए तो हम उन सब का यूज़ करेंगे और हमारे टीम को एक बहुत अच्छी टीम बनाएंगे। और क्या पता इन फ्यूचर हम उनसे लीग भी खेलें। देखो मैं इस अकाउंट से तो पोकेमोन लीग खेलता ही नहीं हूँ, कि मेरे को बहुत पसंद नहीं है लीग, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग नहीं हूँ, पर अब बग नहीं होता तो शायद खेल सकता हूँ। अभी बगर पोसे हो गए बग तो यार खेल भी सकता हूँ। तो कोई ना, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।